Don't take me for granted, Vidya. मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना प्लीज. मैं चुप सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं. लेकिन हर चीज की एक हद होती है. सूरज मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती थी कि अर्जुन यहाँ पर नाहल गर्मी है. और वैसे भी हम तो देहरादून जा रहे थे ना, हमारे यहाँ आना सिर्फ एक इत्तफाक था. एक और इत्तफाक. और कितने इत्तफाक होंगे विद्या? विद्या तुम जानती हो उसकी हिम्मत क्यों होती है? सिर्फ तुम्हारी वजह से. तुम्हारी वजह से वो मेरे सामने आकर ये कह सकता है कि तुम मेरी नहीं उसकी. और ये कहते वक्त उसकी जबान भी नहीं लड़खड़ाती. क्यों विद्या, बोलो क्यों? बताओ विद्या. देखो विद्या, अगर तुम उससे प्यार करती हो या उसे चाहती हो तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा. आजाद कर दूंगा तुम्हें इस रिश्ते से. नहीं सूरज, ऐसा नहीं है. तो फिर कैसा है ये सब? क्या है? नहीं जानती और ना ही चाहती हूं ये सब. ये पता नहीं क्यों हर बार इसी इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है. देखो विद्या, अगर तो तुम चाहती हो कि ये शादी बरकरार है, हमारा प्यार बरकरार है, तो तुम्हें अर्जुन को, वो कौन है, वो क्या कहता है, इन सब बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना और इस आज में जीना जिसमें मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी. साहब जी, मेम साहब जी से कोई बाहर मिलना आया है. कौन है? पता नहीं. जी कहिए.